बुलडोजर की राजनीति आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू किया। आज हम इसलिए यहाँ से आपको यह बताना चाहते हैं कि सरकार जो यहाँ से बताती है सब झूठ है। अगर जमीनी सतह पर वहाँ देखा जाए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ छोटे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये अपनी लाइन इंप्लीमेंट करने के लिए, बीजेपी लाइन इंप्लीमेंट करने के लिए जम्मू को कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर को जम्मू के खिलाफ ये ऐसा करते रहे। ये सारी बातें जो है ना, आज बिल्कुल बीजेपी सरकार जो है वो हमारे खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ, सबके खिलाफ काम कर रही है। वहाँ पे लोग ना खुश हैं इससे, और आने वाले वक्त में पता चलेगा सरकार कैसे बनते हैं। इस मुल्क को एक रखने के लिए अपना खून बहाया है। हम किसान सभा की तरफ से आपको लाल सलाम करते हैं साथियों। पार्लियामेंट की चुनाव करवाए लेकिन वहाँ की असेंबली की चुनाव नहीं करवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर राज के खिलाफ की जो पूरी लड़ाई है वो अब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई है। यहां पर जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में आए हैं अपनी आवाज़ को रखने के लिए। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर पूरी जो ये ड्राइव चलाई जा रही है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा वहाँ के किसानों और मजदूरों को होने वाला है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब देश में किसान एक बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर के किसान को भी वहाँ के गवर्नमेंट ने, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था, उसने उस वक्त कहा जो रोशनी एक्ट के तहत जो लोगों के पास ज़मीन है उसका बाज़ाबता फीस लेकर उनको रजिस्टर किया गया था। यानी वो सरकार हिंदुस्तान की सरकार थी, लेकिन आज जो गवर्नर आया है वो कहता है मैं वो मानता नहीं हूँ, उस आर्डर को रिवोक करके वो ज़मीन फिर सरकार वापस लेना चाहती है। यानी एक सरकार देती है, दूसरा सरकार लेती है, इन सरकारों पर कोई भरोसा नहीं है। ये किसान से ज़मीन छीनना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, ताकि ये किसान लाचार, बेबस और बॉन्डेड लेबर बने, उसकी हैसियत कुछ भी ना रहे। देखिए, जो यूपी में चला हम भी वो देखते थे, उसमें नारा था कि ये माफियाओं के खिलाफ है, तो जम्मू कश्मीर में भी सेम नारा है कि माफियाओं के खिलाफ हम कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसी एक माफिया का नाम बताएं जिस पर आपने बिल्डोज़र चलाया। वहाँ अगर बिल्डोज़र चला वो गरीब किसान पर चला, उसका उसका जो घर था, आशियाना था, वो तोड़ा गया, उसकी ज़मीन जो है जहाँ पर वो काश्त कर रहा था, अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, वो उससे छीनी जा रही है। उसका बगीचा जहाँ पर उसके सेब के पौधे हैं, उन पौधों वहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं कि ये स्टेट लैंड है। तो गरज ये है कि ये माफियाओं के खिलाफ नहीं है, ये आम गरीबों के पास जो ज़मीन है छोटी बोड़ी, क्योंकि जम्मू कश्मीर वही एक स्टेट है जहाँ आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो लैंड रिफॉर्म्स के होते वहाँ हर एक के पास कुछ ना कुछ ज़मीन है। इस सरकार को वो चीज़ पसंद नहीं है। ये सरकार ज़मीन बेदखल करके कॉरपोरेट को वहाँ आमंत्रित करना चाहती है, उनको बसाना चाहती है, ये हम समझते हैं। देखिए, मैं आज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आज जंतर मंतर से हम ये मैसेज देने आए हैं कि मरकजी सरकार को, कि जो आपके ये फरमान यहाँ से लागू होते, जो एलजी इंतज़ामिया बेधड़क वहाँ लागू करता और वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, वहाँ के ज़मींदार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, वहाँ के मजदूर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, यहाँ तो बताया जाता है कि वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी सतह पर वहाँ देखा जाए, वहाँ आम लोगों का नुकसान हो रहा है, आम लोगों की दुकानें जा रही हैं, ज़मींदार की ज़मीन छीनी जा रही है। यहाँ मुल्क के अंदर ये बताया जा रहा है कि वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज हम इसलिए यहाँ से आपको यह बताना चाहते हैं कि सरकार जो यहाँ से बताती है सब झूठ है। अगर जमीनी सतह पर वहां देखा जाए, वहां सिर्फ और सिर्फ छोटे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब 370 को हटाया गया जी, तब ये कहा गया कि कश्मीरी जो हैं वो जम्मू वालों पे अपना अधिकार जमाते हैं, उनको नीचे रखते हैं जी, और ये 370 से अब जम्मू जो है वो अपने फैसले खुद कर पाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बुलडोजर कश्मीर में भी चल रहा है और जम्मू में भी चल रहा है।
ये पूरी व्यवस्था को आप कैसे देंगे? ये अपनी लाइन इंप्लीमेंट करने के लिए, बीजेपी लाइन इंप्लीमेंट करने के लिए जम्मू को कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर को जम्मू के खिलाफ ये ऐसा करते रहे। देखिए, जब जमीन के सवाल पर आज़ादी के टाइम में जब हमने राजे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस वक्त आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी के हक में भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त ज़मीन का अधिकार हमें मिला, एक ज़मीन का अधिकार मिला, एक रोज़गार का अधिकार मिला, ये ही 370 था, ये ही स्पेशल स्टेटस था। जब ज़मीन मिली, जम्मू वालों को ज़मीन मिली और कश्मीर वालों को भी ज़मीन मिली। और अब इन्होंने बिना लोगों से पूछे उनको कर्फ्यू में बंद करके, बिना पब्लिक डोमेन में डाले, बिना वहाँ की असेंबली से पूछे इसको एकदम ख़त्म किया, मनसूख किया। और उसी आड़ में आज ये वहाँ के जो लैंड लॉज हैं हमारे जो हैं, उन पर भी इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। और उसी के आड़ में ये लोग आज वहाँ इविक्शन ड्राइव कर रहे हैं, ज़मीनों को बेग और वहाँ नोट से पर नोट से चस्पान की जा रही है, वो कॉलोनी गैर कानूनी है, ये कॉलोनी गैर कानूनी। जब आप पूरे मुल्क में रेगुलराइज कर रहे हैं गैर कानूनी कॉलोनियों को, तो जम्मू कश्मीर में ये पैमाना क्यों है? जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्डोजर से डराना बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्डोजर से डराना बंद करो। आम जनता दुखी है, आम जनता को दबाया जा रहा है। जो बोले पुलिस प्रशासन PSA जिसे कहते हैं, कोई ना कोई केस बनाया जा रहा है, कोई कोई आवाज़ बुलंद ना करे। जिन लोगों ने हेरा फेरी की है पहले की, वो तो बोल नहीं पाएंगे। आम ही लोगों ने हेरा फेरी नहीं की है, आम लोगों तो अपना बाल बच्चा पालते हैं, अपना बाल बच्चा पालने के लिए वो लोग लड़ाई लड़ेंगे, कुर्बानी देंगे। आम लोग सारे दुखी हैं। आप भाई वोट लगवा के देख ले, आज इतना ये कहते हैं ये कभी टैक्स लगा रहे, वोट लगवा के देख रहे के लोग हमारे साथ है कि नहीं है। लोग इनके साथ नहीं है, लोग दुखी हैं। बंद करो, बंद करो। कश्मीर में जमीन की बेदखली को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन की बेदखली को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंसलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब 370 खत्म हुआ था तब ये बताया गया था कि जम्मू वालों को जो है अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं और कश्मीर वालों के बुरे दिन आ गए हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बुलडोजर तो दोनों जगह चल रहा है, वो कश्मीर में भी चल रहा है और जम्मू में भी चल रहा है। जब जम्मू के किसानों की बात करते हैं तो ये जो बुलडोजर चलने का जो असर होगा वो कैसा है अभी किसानों पे वहाँ पे असर? देखिए, सरकार ने एक प्लानिंग बना रखा है। सरकार की प्लानिंग में 22 लाख कैनाल ज़मीन है, जिस ज़मीन को पूरी स्टेट की है, वो उसको 15 लाख हेक्टर बनती है ज़मीन। वो उस सारी ज़मीन पर सरकार का प्लानिंग है कि उस ज़मीन को स्टेट लैंड डिक्लेयर करके और लोगों को उस ज़मीन से हटाया जाए। भाई ज़मीन है किसकी, लोग कौन, किसकी ज़मीन? अरे लोग हैं तो ज़मीन है ना, किसी के बाप की ज़मीन तो नहीं है ना। लोगों ने उस ज़मीन को 1947 से पहले से जोता हुआ है, तब तो ये लोग सरकारें कहती थी कि उस ज़मीन को तैयार करो, अच्छा बनाओ, जोतने के काबिल बनाओ। तब लोगों ने इतनी मेहनत से ज़मीन बनाई, आज उनका रोजी रोटी है। आज उस रोजी रोटी के नाम पर ये लूट कर रहे हैं। असल में ये सरकार जो है इसकी माला पे टेंशन है, ये 22 लाख कनाल ज़मीन बेचना चाहती है। तो ये सारी बातें जो है ना, आज बिल्कुल बीजेपी सरकार जो है वो हमारे खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ, सबके खिलाफ काम कर रही है। वहाँ पे लोग ना खुश हैं इससे, और आने वाले वक्त में पता चलेगा सरकार कैसे बनते हैं। हुक्म तुम्हारा, जमीन हमारी, लूट तुम्हारा। अब ये कॉमन जो लैंड है इसके ऊपर जो दखल जो होगी, अगर उस दखल के ऊपर उसको हटाने के नाम पर बुलडोजर की राजनीति आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू किया गया, ये बुलडोजर की राजनीति चल रही है पूरे देश में कई सारी जगह, और सब जानते हैं कि उसका निशाना कौन है, किसके खिलाफ चल रहा है ये बुलडोजर की राजनीति। और वही तरीके की तरीका अपना रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर ऐसी कोई दखल हुई है जमीन पे, कोई अपना घर बना लिया, कोई खेती कर रहा है, वो ऐसे मामलों को आप सुलझाइए वहां के पंचायतों के साथ बैठ के। ये बुलडोजर की राजनीति क्या कर रहा है, इसको फौरन बंद करें, ये फौरन बंद करें। तीसरी बात,
जम्मू कश्मीर के अंदर आज लोगों के सामने दिक्कत ये है कि कौन है उनके प्रतिनिधि, किसके पास जाकर उनको अपनी समस्या रख पाए। 2018 से लेकर आज तक पांच साल हो रहे हैं वहां पे चुनाव नहीं किया करवाए, और जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव करवाए लेकिन वहां की असेंबली की चुनाव नहीं करवाई, क्योंकि तब उनका पूरी की पूरी सोच यही थी कि वो असेंबली को ही रद्द कर देंगे, वही किया उन्होंने सरकार में आने के बाद। अब शायद उस समय नहीं किया तो अब बाद में कहने लगे कि डिलिमिटेशन करने की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों को सही ढंग से इनको बनाने की जरूरत है, जो डिलिमिटेशन करना है वो हो गया काम। बाद में कहा कि वोटरों की सूची ठीक तरीके से बनी नहीं है, उसको सुधारना है, अब वो हो गया काम, सूची का ऐलान भी हो गया। तीसरी बात वो कहते कि शांति जब रहेगी और वहां पर चुनाव करवाने का माहौल जब बनेगा, अब वो माहौल के बारे में हमारे देश के माननीय गृहमंत्री जी रोज दिन प्रतिदिन दिन रात को देश में ही नहीं पूरे दुनिया में यही प्रचार कर रहे हैं कि शांति बहाल है आज जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पे कोई मतलब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है, एकदम पीसफुल है जम्मू कश्मीर। अगर शांति है आपके पास, आपका डिलिमिटेशन हो गया, आपका वोटर की सूची छप गई, तो अब क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हो आप? चुनाव अगर करवाते हैं तो चुनाव में प्रतिनिधि जो है वो लोगों की समस्याओं के बारे में सुन भी सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करवा रहे। तो ये तीनों मांगों पर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम आपके सामने ये आश्वासन देने आए। पहली बात, ये जो कानून जो लाए हो आप, कानून में बदली जो किया कि बाहर के लोग आकर वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, इसको वापस लो। दूसरा, कॉमन जितना भी जमीन है जो वहां की लोगों की है, सरकार के क्षेत्र में है, इस जमीन पर अगर कोई दखल हुआ, उस दखल के बारे में आप पंचायत के साथ चर्चा करते हुए उसको हल करवाओ। ये बुलडोजर की राजनीति को बंद करो, बुलडोजर चलाओ। जेएनके के साथियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। देशभक्तों ये भी सुन लो, ये तब हमने देखा जब जम्मू में कश्मीर में वहाँ तहरीक थी जमीन के लिए, तहरीक थी जमहूरियत के लिए, तब जाकर आपने एजिटेशन वहां चलाई, तब जाकर आपने उस वक्त भी कहा सारी लाल रिफार्म नहीं, जमीन काश्तकार को नहीं, तब जाकर आपने कहा कि हमें ज्यादा प्यारे जागीरदार हैं, साहूकार है, लोकल हूं या गैर लोकल हूं, लेकिन हमने तब भी कहा डोगरा किसान कश्मीरी किसान एक साथ मिलकर कहा जमीन मेरी है, काश्तकार की है, जमीन हमारी ही रहेगी। आज क्या हुआ, हमारे लोगों को हम मतों को मालूम नहीं। मैं इस लीडरशिप से, जनरल शक्ति साहब से, किसान तहरीक से, जनरल शक्ति हम शुक्रगुजार हैं कि आप तब भी सामने आए जब हर तरफ अंधेरा था, और आज भी मेरी गुजारिश है किसान संगठन से कि आप कश्मीर के दर्द को अपनाइए। कश्मीर का किसान आज उसे हांका जा रहा है, आज उसे मजबूर किया जा रहा है। वो जमीन जिसकी खातिर उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो हक बाहर वाला कोई बड़ा आदमी ना आए वहां जमीन खरीदने के लिए, देशवासियों को ये सरकार कह रही है आप बिहारी वहां जाएगा जमीन खरीदने के लिए, वो बिहार का मजदूर, वो बिहार का गरीब खेत मजदूर जिसे झोपड़ी नसीब नहीं है अपने गाँव में, वो कौन सा महल बनाएगा गुलमर्ग में, वो आएंगे, उनको लाना है। किसने, इस सरकार ने किनको लाना है, अपने रिश्तेदारों को लाना है, अड़ानी प्यारे को लाना है, और कई ऐसे अड़ानियों को लाना है पहलगाम देने के लिए, गुलमर्ग देने के लिए, हमारी जमीन देने के लिए। और आज हमारा ऐलान है,
मैं आपके सामने ये कहता हूँ, कश्मीरियों को आर्जी तौर पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन कश्मीर के खून में इंसाफ की खातिर जुदजहद करने की सख्त भी है। हम जमीन को बचाने के लिए आगे आएंगे।